हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये Z9, यानी कि ये जनरल वर्कशीट है बेटा। ये सेवन्थ और एट्थ दोनों ही क्लासेस की वर्कशीट रहेगी। सेवन्थ के बच्चों को भी ये वर्कशीट करनी है और एट्थ के बच्चों को भी ये वर्कशीट करनी है। स्टूडेंट को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 15/7/2021 की, यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट। तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम आ गया है, बहुत सारे मच्छर होंगे। तो इनके बचाव के लिए आप लोगों को पहले ही क्या किया जा रहा है, पहले ही अवेयर, जागरूक किया जा रहा है। तो मानसून के समय मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है। जैसी बीमारियां होती हैं, मच्छर साफ पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। तो ये नहीं सोचना है बेटा कि गंदे पानी में ही मच्छर पनपते हैं, नहीं, जो डेंगू मच्छर होता है ना वो बिल्कुल साफ पानी में पनपता है। बरसात के मौसम में मच्छरों से स्वयं को बचाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं, जैसे कि आसपास की जगह को साफ रखना, ठीक है बेटा, मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग करना व पूरी बाजू के कपड़े पहनना। क्या करना है हमें, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करना है और पूरी बाजू के कपड़े पहनने, ताकि मच्छरों को मच्छर हमें ना काटे। उन जगहों से एकत्र पानी को हटाना जहाँ मच्छर अंडे दे सकते हैं, जैसे कि टायर या बाल्टी, जैसे कि छत पे टायर वगैरह पड़े रहते हैं, तो उन चीज़ों को ना वहाँ पर छोड़ना, और बाल्टी वगैरह में पानी भर जाता तो उसको तुरंत खाली करना, ठीक है। आगे देखिए कि गड्ढे और पानी एकत्रित होने वाले अन्य जगह को भरना, यानी कि जिन गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है उन जगहों को भरना। तो देखिए यहाँ पर मच्छर का फोटो दिखाया गया है कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया और एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। तो जो है आप लोगों को याद रखना है बेटा कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, और एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू की बीमारी होती है, ठीक है बेटा। बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए, बीमारियों से बचने के तरीकों को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मलेरिया, क्या लिखेंगे, मलेरिया, और क्या लिखेंगे, डेंगू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेंगू, चिकनगुनिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मलेरिया हम इनके रखरखाव के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे, हम मान लिया कि कोई चारपाई है हमारी, उस पर क्या लगाएंगे हम मच्छरदानी लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे, क्या करेंगे हम, पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे। इसके अलावा हम साफ़ सफाई रखेंगे हर जगह, कहीं भी कूड़ा करकच वगैरह नहीं फैलाना है, हमें बिल्कुल साफ़ रखना है। और जो है टायर वगैरह में पानी भरा रहता है उसको भी हमें नहीं भरने देना है। कोई भी सामान ऐसा छत पर बरसात के टाइम में नहीं रखना है जिसमें कि पानी इकट्ठा हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है, क्या है सत्य है या असत्य है। तो क्या है बेटा, ये चीज़ सत्य है, ठीक है। आगे है पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगह की साफ़ सफाई से मलेरिया से कैसे बचाव हो सकता है, समझाइए। तो कैसे बचाव हो सकता है बेटा, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर कैसे बचाव करेंगे हम, सबसे पहले तो घरों के अंदर हमें DDT जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करवाया जाए, जिससे मच्छरों को नष्ट किया जा सके। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, घरों में आसपास गड्ढों, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बों, पानी की टंकियों, गमलों, टायर ट्यूब में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, चूँकि आमतौर पर क्या होता है कि मच्छर साफ पानी में जल्दी पनपता है, इसलिए सप्ताह में एक बार पानी से भरी टंकियाँ, मटके, कूलर आदि खाली करके उन्हें जो है धूप लगानी चाहिए, उन्हें सुखाने चाहिए। इसके बाद टांके या पेयजल स्रोतों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता से टैमोफोस नामक दवाई समय समय पर डलवाते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बचाव करेंगे तो अपने आप को हम सुरक्षित कर सकते हैं मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया से, इन सारी बीमारियों से। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।